लखनवी चिकन बिरयानी फ्राई, जिसके लिए डालेंगे कढ़ाई में सबसे पहले तेज़पत्ता, ये तेल में तेज़पत्ता, तेज़पत्ता को हम पकने देंगे। और ये तेज़पत्ता हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें डालेंगे काफ़ी सारा जीरा, लखनवी चिकन बिरयानी के लिए काफ़ी सारा जीरा डालेंगे। और जीरे के अंदर डालेंगे साबुत ये गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारा हम डाल लेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे ये प्याज कटी हुई प्याज, और प्याज को फ्राई करेंगे हम। इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और इसमें डालेंगे ये चिकन आधा किलो चिकन, और साथ में पकाएंगे इसको, फ्राई करेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे इसमें, नहीं तो चिकन पानी पड़ेगा तो फ्राई नहीं हो पाएगा। पानी हम जो है बाद में डालेंगे। और इस चिकन पे अब हम डालेंगे गरम मसाला, ये पिसा हुआ गरम मसाला भी इसके ऊपर डालेंगे। पहले हमने डाला था साबुत गरम मसाला, और गरम मसाला को मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 5 मिनट बाद ढक्कन हम हटा लेंगे। चिकन हमारा आधा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इस चिकन में डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर हम डाल लेंगे इस तरह से। और डालेंगे ये जीरा पाउडर, और दोनों को मिक्स करके पकाएंगे हम 5 मिनट तक, इस तरह से मिक्स करके पकाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, और 5 मिनट पकने के बाद ढक्कन हटा देंगे। और इसमें डालेंगे नमक, ये नमक डाल लेंगे, इस तरह से डाल लेंगे। और नमक डालने के बाद इसपे डालेंगे कुछ, इसके अंदर कुछ पुदीना का पत्ता, ये पुदीना का पत्ता, और पुदीना का पत्ता बाद में भी हम चावल पे डालेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हम हटा लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 कप पानी, ये पानी, ताकि ये जो हमारा इसका ग्रेवी है वो चिकन के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमने सारा सूखा मसाला डाला है इसके अंदर। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, पानी भी सूख जाएगा और ग्रेवी पूरे चिकन में मिक्स हो जाएगा। और ये 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा देंगे, ये हमारा चिकन मसाले में मिक्स हो चुका है, पानी भी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम करेंगे क्या, अब इसमें डालेंगे चावल, ये चावल हमने पहले से उबाल के रखा था, वो चावल डाल देंगे। ये चावल इसके अंदर डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे चिकन बिरयानी के साथ, बिरयानी का जो हमने चिकन का रेडी किया था मसाले के साथ, उसमें इसको मिक्स कर लेंगे। ये लखनवी फ्राई बिरयानी, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पुदीना पत्ता, जो पहले हमने डाला था आधा, अब बचा हुआ आधा हम डालेंगे
इसके अंदर पुदीना पत्ता और पुदीना पत्ता को इसमें मिक्स कर देंगे। ये मिक्स कर देंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया का पत्ता, कटी हुई धनिया का पत्ता ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 2 मिनट तक मिक्स करके पकाएंगे। और 2 मिनट बाद ढक्कन हम हटा लेंगे। ये बिरयानी हमारा लखनवी फ्राई बिरयानी रेडी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से और ये रेडी है हमारा लखनवी चिकन बिरयानी फ्राई।